रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में जर्जर पड़ी सड़क का निरीक्षण करने विशाखापट्टनम की टीम पहुंची है। इसको लेकर टीम ने जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि जांच के क्रम में विशाखापट्टनम की टीम ने ड्रोन के द्वारा पुल की जांच की है। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाई स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाई स्कोप ऐप। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के कोकोवेन में काम करने के दौरान लोहे का रेट गिरने से 24 वर्षीय मजदूर पप्पू कुमार महतो की मौत हो गई है। घटना के बाद कंपनी के अधिकारियों ने आनन फानन में घायल ठेका मजदूर को बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों और नेताओं का कहना था कि घटना होने के बाद भी कंपनी के द्वारा परिजनों को सूचना नहीं दिया जाना लापरवाही है। जेएमएम महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने इससे कंपनी की लापरवाही बताई है और उन्होंने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दे रही है। इलेक्ट्रो स्टील में घटना होता है, एक्सीडेंट होता है और रेड गिरने से उसका जो है मृत्यु हुआ और मृत्यु होने के बाद जो है सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अभी तक जो है वो उसके परिजन को खबर नहीं किया गया। ये बिल्कुल जो है इलेक्ट्रो स्टील के अंदर में बराबर इस तरह का घटना होते आया है और अनेकों बार यहाँ पर जो है ना सेफ्टी नाम का किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ जो है ना, चूँकि जब उतना मान लिया एक 32 साल का लड़का का घटना होता है तो स्वाभाविक है कि उसके घर को घर वाले को पहले हम खबर करके बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और यह जो है काफ़ी निंदनीय घटना है। और इलेक्ट्रो स्टील को निश्चित रूप से जो है घर वाले को बुला के, अभी चूँकि यहाँ से बॉडी गया हुआ है, वो बुला के जो है उनके परिजन को एक नौकरी दिया जाए और निश्चित रूप से 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि उठा लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में जर्जर पड़ी सड़क का निरीक्षण करने विशाखापट्टनम की टीम पहुंची है। इसको लेकर टीम ने जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि जांच के क्रम में विशाखापट्टनम की टीम ने ड्रोन के द्वारा पुल की जांच की है।